IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से मायश्त कैसे मुतासर हुई? पाकिस्तान में उस साल के शुरू में तहरीक इंसाफ के दूर हुकूमत में IMF प्रोग्राम की बहाली तातुल का शिकार हुई, जो मौजूदा हुकूमत के दूर में भी अल्तवा का शिकार है। नई हुकूमत की जानिब से IMF की शराइत को पूरा करने में ताखीर से मुआशी अशारिये शदीद मुतासर हुए। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से दरामदी मुसनुआत महंगी हुई, जिनमें पेट्रोल, डीजल, गैस, खुर्दनी तेल, डाली वगैरह शामिल हैं, जो पाकिस्तान मलिकी जरूरत के लिए बैरून ममालिक से दरामद करता है। उस प्रोग्राम की बहाली में ताखीर का सबसे मुनफी असर रुपए की कदर पर पड़ा, जो उस वक्त एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 212 की सतह पर पहुंच गई है। रुपए की कदर में गिरावट का मायश्त और तजारत दोनों पर शदीद मुनफी असर हुआ। IMF की फंडिंग अपने साथ दूसरे बैन अलाख्वामी इदारों और मलकों से भी फंडिंग लाती है, और उस प्रोग्राम में तातुल की वजह से गुज़िश्ता 2-3 महीनों से पाकिस्तान में कोई फंडिंग नहीं आई, जिसका मुनफी असर ज़रमबादला के ज़खायर पर पड़ा, जो उस वक्त निचली सतह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ऐसी सूरत में बैन अलाख्वामी मार्केट में बॉन्ड्स जारी करने की पोजीशन में भी नहीं रहा, क्योंकि उन बॉन्ड्स पर पाकिस्तान को 20-25% सूद अदा करना पड़ता, जो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का बन गया, क्योंकि कहीं से भी IMF के प्रोग्राम न बहाल होने की वजह से फंडिंग नहीं मिल रही, क्योंकि ये सारी फंडिंग IMF प्रोग्राम से मशरूत होती है। पाकिस्तान को अगले माली साल में 36 से 37 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग चाहिए, और अगर ये प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो उस बैरूनी फंडिंग का हिसूल नामुमकिन होगा, जो मुल्क के बजट और मुआशी अशारियों को मुनफी तौर पर मुतासर करेगा।